सबका स्वागत है मेरे और एक फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोनीटेल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे कैसे उसको शिफ्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 2 महीने से गायब था, तो अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो कोशिश करेंगे कि अच्छा हो। और मैं अभी से कंटिन्यू बनाने लगूंगा क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम के कारण मिस था, तो अभी आपको पूरा वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं मेरा पौधा जिसको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। मैं जब से उसको ख़रीद के लाया तब से इसी पॉट में है, उसको शिफ्ट नहीं किया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस पॉट पे करीब करीब 4 सालों से है। और फ्रेंड्स, उसको बहुत खूबसूरत लग रहा था, मुझे बहुत काफ़ी बड़ा प्लांट था, तो इसलिए मैंने उसको देख के और 2 प्लांट्स खरीद के लाया जिसको मैं अभी इस पॉट पे शिफ्ट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेरा नया 2 प्लांट है जिसको मैं अभी इस 2 पॉट में शिफ्ट करने वाला हूँ। तो चलिए, इसके लिए तो मेरा मिट्टी भी तैयार है और मेरा पॉट भी तैयार है। मैंने उसको देख सकते हैं टिकरी से बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं ये पूरा मेरा पॉट है जिसका हाइट होगा 8 इंच के आसपास। तो इसका हाइट होगा 6 इंच और उसका जो ये है डायमीटर है नीचे वाला वो छोटा है, तो मैं बड़े पॉट में शिफ्ट करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो नलिना पाम है, तो आप उसको सिर्फ पोनीटेल से बोल के भी ढूंढ सकते हो और नोलिना पाम कह के भी ढूंढ सकते हो फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए खरीदना है तो। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया जो प्लांट है मेरा। तो फ्रेंड्स, अभी इसका जो मैं चेंज करने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं, इसका जो बॉल है फ्रेंड्स। अभी हमारी बारी है उसको पॉट में शिफ्ट करने के, तो मैं उसको साइड में रखता हूँ और लेके आता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो पॉट है उसको आप देख सकते हैं, मैंने उसको टिकरी के अंदर भर के रखा हुआ है। तो अभी हम उसको अंदर मिट्टी देंगे। तो फ्रेंड्स, मिट्टी देने से पहले आप अच्छा होगा कि आप उसको एक अच्छा सा बालू का जो सिलिका होता है उसका एक लेयर नीचे दे दे, तब अच्छा होता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं नहीं देने वाला। तो चले अभी उसके अंदर मिट्टी डालते हैं। तो मिट्टी में कैसे तैयार किया कि फ्रेंड्स, मिट्टी को पहले कंपोस्ट काउडंग और जो सूखा हुआ कंपोस्ट किया हुआ काउडंग और गार्डन सॉयल और कोकोपीट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स उसके अंदर देने से मैंने इस तरह से मिट्टी तैयार किया। मिट्टी इस तरह से रहे से फ्रेंड्स मैं जस्ट इतना ही टाइट हो, उसके बाद वो इस तरह से लूज़ हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मेरा मिट्टी जो है वो तैयार हो चुका है और नीचे पॉट भी मैंने तैयार कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी देख रहे हैं मैं मिट्टी दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि रूट्स नीचे तक होगा। तो चलिए देखते होता है कि नहीं, हाँ इतना तक तो हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, शायद आपको दिखाई दे रहा है अभी पक्का पूरा। और आपको ख्याल रखने की वो बिल्कुल सेंटर में रहें, अभी बिल्कुल सेंटर में है। आपको सेंटर लग रहा है कि नहीं, हाँ आप लोगों को भी सेंटर लग रहा है,
देख सकते हैं अभी। तो मैं साइड से अभी मिट्टी दे रहा हूँ। मिट्टी देने से हाथ से साइड से प्रेस करते रहे या कोई भी चीज़ से, ताकि कि नीचे कोई एयर बबल ना रह जाए फ्रेंड्स, तो वो आपके लिए सही अच्छा रहेगा। और मैंने उतना बहुत ज़्यादा रूट्स तो कट कर ले, लेकिन थोड़ा सा भी रख दिया, क्योंकि फ्रेंड्स प्लांट्स को सर्वाइव करना है फ्रेंड्स, नहीं तो फ्रेंड्स ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट इस साइड से देना ख़त्म, उस साइड से देना कुछ रह गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसके ऊपर इसके पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा इस प्लांट्स के ऊपर, तो आप उसको ज़रूर देखिए, कुछ दिनों में आ जाएगा, 2-3 दिनों में। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है कि ये जो बॉल है उसको ऊपर रखना है, बाकी सिर्फ इतना तक ही, देर ही नीचे मुझे उसको छोड़ना है, क्योंकि ताकि आगे उसको मैं उसको फर्टिलाइज़र दे सकूँ, लेकिन उसको इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, और बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स है, इतना ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए उसको। तो मुझे लगता है मुझे अब हो गया, उससे ज़्यादा मुझे मिट्टी नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जिस तरह से दिखाया है उस तरह से उसको शिफ्ट करते हैं फ्रेंड्स। और जो मैंने आपको दिखाया था कि छोटा जो दो प्लांट है, मैं उसको अभी शिफ्ट करने वाला हूँ, करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आपको वापस उसको शिफ्ट करके फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। और इसका अभी थोड़ा सा पानी देना है और दे के शेड में रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने उसका बहुत ज़्यादा रूट्स कट कर लिया है, तो अभी वो सदमे में होगा। तो एक हफ्ते तक उसको मैं छाए पे रखने वाला हूँ, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है, जस्ट ब्राइट लाइट आता है। तो चलिए अभी हो गया, उसको चेंज करके दूसरा दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने उसको अभी कंप्लीट कर लिया है, तीनों को रिपोर्ट करने का काम। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको तब ज़रूर पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको गार्डनिंग का बहुत सारे टिप्स मिलने वाला है और बहुत सारी चीज़ मिलने वाली है। तो आगे कुछ दिनों में आपको गार्डन के रोज़ गार्डन के बारे में मिल जाएगा, क्योंकि प्रूनिंग का टाइम अभी चला गया और आपको वीडियो अभी तक नहीं मिला। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।